क्या चाय पी रहे हो यार? क्यों? अरे समझ यार। ओह, तो भाई साहब पार्टी की बात कर रहे हैं। बनाओ 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 बनाओ। हाँ तो बनाने से यार एक बात याद आ रही है, तो सुनना चाहोगे? सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के थे हैं, बाके जवान हैं, नई नई जवानी जो बह रही थी शरीर में उससे थे थोड़े परेशान हैं। तो अब क्या हुआ कि पहुंच गए किसी ऐसी पहाड़ी पे, ऐसे वीराने में पहुंच के आग जला करके बैठ गए और देख रहे थे दूर एक बाबा को कि बाबा चिलम भर रहे हैं बचा बच, और बचा बच भरती चिलम को देख करके वो बोले कि बाबा चिलम में तो रोज ही पीते हो, हैं क्या पीते हो, बताया ना किसकी बात चल रही है? तो भैया चिलम में तो रोज ही पीते हो बाबा, और ज़रा आप हमारे साथ ज़रा पेपर में पीजिए। तो बाबा ने कहा जो आगे वही गीत बना। तो बाबा बोले, क्या बोले बाबा? हे बनाओ 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 बनाओ। प्रेम बाबा जय महादेवा, प्रेम बाबा जय महादेवा, प्रेम बाबा जय महादेवा। बनाओ 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 बनाओ। और दोस्तों बना दिया लड़कों ने, क्या बना दिया? हाँ वैसे बनाया बहुत कुछ जा सकता है, ये क्या चल रहा है? हाँ तो सुन लो कि जो बाबा को बना के दिया गया जॉइंट, तो बाबा ने अपने होठों के बीच में रखा और एक लंबा कश। और बाबा भंड, और भंड बाबा बोले, अरे आत्मा की शुद्धि कर दे ओ मेरे परमात्मा, गुरी जनों को दिशा दिखा दे ओ मेरे परमात्मा, आत्मा की शुद्धि कर दे ओ मेरे परमात्मा, गुरी जनों को दिशा दिखा दे ओ मेरे परमात्मा। तो बनाओ 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 बनाओ। जॉइंट बन चुका था, ट्रैक चले जा रहे थे, दो ट्रैक की टैक्सी घूम रही थी चारों ओर दोस्तों। और बाबा ने लिए दो और कश, मोटे गहरे कश, और उसको लेने के बाद बाबा भंड, और बाबा कहते हैं, अरे गांजा नहीं दवा है, हे गांजा नहीं दवा है, हे गांजा नहीं दवा है, हवा है, अरे गले का मंजन है, आंखों का निलंजन है, गांजा नहीं दवा है, हवा है, गले का मंजन है, आंखों का निलंजन है। दो बनाओ 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 बनाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बनाओ पर अपने आप को भूतिया मत बनाओ, और चाह लगा दो भागो हटा के, समझे? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बात तो मैंने कही क्योंकि तुम लोगों ने कहा बनाओ, पर इससे मुझे एक दृष्टांत याद आता है जिसे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ उन लोगों को। देखो बात यह किसी चीज का अंधा अनुसरण आदमी को मुश्किल में डाल सकता है। तो दृष्टांत कुछ ऐसा है कि आज उनके शिष्य पीछे चले जा रहे हैं, और पीछे चले जा रहे हैं तो अंधा अनुसरण करते हुए गांव में रुके, और किसी प्रिय मित्र के आग्रह करने पर जारे ने उठाई मदिरा, देसी दारू है, देसी दारू देसी दारू उठाई और गट 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 पी ली। और पीने के बाद जब गुरुदेव कर रहे थे मस्ती, तो भाई शिष्यों ने भी सोचा जरा हम भी लपेट दें हैं। तो लपेटने के बाद झूमते लड़खड़ाते शिष्यों को देख करके गुरु समझ गया कि इनको डोज देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हाँ डोज। तो डोज देने के लिए अब देखो छोटे आदमी थे, नहीं वो आदमी थे भारी, तो डोज भी देनी थी बड़ी भारी। तो दूसरा गांव जब आया
तो एक लोहार की दुकान से उन्होंने गरम गरम पिघला लोहा उठाया और वो भी घटक लिया। इसके बाद लौंडे समझ गए भैया हमसे तो ना हो पाएगा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है कि अक्सर यू नो बूटी पीने वाले लौंडे ये कहते हैं कि बाबा जी की है तो बाबा जी की है तो हम भी ले ले जरा। तो भाई शिव तो हिमालय में रहते हैं ऊंची पहाड़ियों पे उतुंग शैलों पर, और उतुंग शैलों पर कहाँ रहते हैं वो, हिमालय में। और निर्वस्त्र भस्म लगाए घूमते हैं झूमते हैं, सिर पे सिर के बल खड़े होकर शीर्षासन करते हैं। तो भैया ऐसा है बाकी सब तो आदमी नहीं करता, वो कमरे में एसी लगा करके भंड होके प्ले स्टेशन पे गेम खेलता है। तो वो आसान है क्योंकि नहीं, तो इसीलिए अंधा अनुसरण करने के पहले सोचें कि जिसका अनुसरण हो रहा है उसकी वस्तु स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, उसका अनुभव अलग हो सकता है, और जहाँ से खड़ा होकर वो चीज़ों को देख रहा है वो कुछ अलग होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉब मारले इसलिए नहीं क्योंकि वो गांजा पीते हैं, वो बॉब मारले हैं और वो गांजा पीते हैं इसलिए ये एक इत्तेफाक है। ठीक इसी तरीके से शिव शिव इसलिए नहीं कि वो नहीं चिल में भर रहे हैं, वो शिव इसलिए है क्योंकि ही इज इन यूनियन विद द एंटायर एग्जिस्टेंस, वो योग में है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी शुड एम फॉर, टू बी इन यूनियन विद दिस एंटायर एग्जिस्टेंस। और इसी पे मैं कहूंगा बनाओ 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 बनाओ। पर अब बनाना क्या है भैया, उन्नति का मार्ग बनाना है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना है और सत प्रवृत्तियों का विकास करते हुए एक मार्ग प्रशस्त करना है। उस मार्ग की तैयारी करें, आनंद बनाएं और ऐसी उन्नति का मार्ग बनाओ 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 बनाओ। Hey, अब मेरे साथ भी तो गालो थोड़ा, चलो एक साथ on the count of 1, 2, 3 say बनाओ 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 हरे बनाओ 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 hey बनाओ 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 बनाओ। तो ये तो बनता रहेगा और आपसे मिलूंगा मैं फिर नुक्कड़ पे। कर दो प्ले करो, क्यों नहीं दिख रहा होता ये लैपटॉप, उधर कर दे ऐसे उधर ऐसे। नुक्कड़ को पहुंचा ही दिया आपने नुक्कड़ पर, पांच एक्सटेंशन लग गए लाइट लाने में यहाँ पर। हाँ पर पिछले तीन एपिसोड से काफी कुछ सीख गए अपन लाइटिंग एटलीस्ट। और अभी वाले में तो आग लगाना बड़ा डिफिकल्ट काम था, एक कंटिन्यूस इंटेंसिटी पर। ये तो पहले से लगी हुई थी आग, तभी तो ये आग लग पाई सीखने की, और ये आग लगती रहती। कीप लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।